नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड 2017 में तीन नंबर का रखा है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इतनी डरावनी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। आई बात समझ में? तो सबसे पहले देख के लग रहा है कि सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। एक्स स्क्वायर प्लस के और ब्रैकेट में क्या है 2x प्लस के माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या करेंगे इस k की इस पूरे में मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, अब इसकी कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, किससे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। ठीक है, अब कंपैरिजन करते वक्त ध्यान से रखना वरना गलती कर दोगे। ए इक्वल टू कितना है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो कितना कोफिशियंट है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1, तो ए इक्वल टू 1। उसी तरीके से बी इक्वल टू कितना है, देखो इस एक्स से ये एक्स कट गया, तो बी के सामने कितना लिखा है 2k साइन के साथ, तो प्लस का 2k है लेकिन प्लस नहीं दिखाते। अब c क्या है, ये पूरा जो है ये पूरा मेरा c है, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा k स्क्वायर माइनस k प्लस का 2, ये पूरा c है मेरा। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स, तो वी नो डैट लिख देना, ये वी नो डैट क्या कंडीशन फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, यहाँ लिख लो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। आई बात समझ में? ये कंडीशन होती है, ठीक है, बॉक्स बना के ध्यान रखना एग्जाम में ताकि स्ट्राइक कर जाए। अब बी कितना है, बी यहाँ से लिख लेंगे हम, कितना है 2k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है ये पूरा k स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0। आ गया समझ में? अब देखो ध्यान से कैसे करना है, ध्यान से देखना, तो ये कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर और यहाँ से करेंगे तो इसको कितना जाएगा, इस पूरे को अंदर भेज दो तो 4 अंदर जाएगा, तो देखो कितना आएगा 4k स्क्वायर और इधर 4 की मल्टीप्लाई इससे तो माइनस का 4k और इस 4 की इस 2 से तो प्लस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस पूरे को उठा के यहाँ ले आओ तो क्या आ जाएगा 4k स्क्वायर, अब देखो ये प्लस में है तो इधर आके माइनस का, तो 4k स्क्वायर और ये माइनस का है तो इस तरफ आके मतलब ये पूरा उठ के इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस का 4k और ये प्लस है तो माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो देखो 4k से 4k कट गया, अब कितना बचा 4k माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इस पूरे को उठा के इधर ले जाओ, क्योंकि हमें तो k निकालना है, तो 4k इक्वल टू 8, तो k इक्वल टू 8 अपॉन 4, तो k इक्वल टू 2, मतलब k इक्वल टू 2 अगर हम वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो इसके रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल। तो देख लिया आपने कितना बेहतरीन क्वेश्चन था और कैसे मैंने इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लिया स्टेप बाय स्टेप। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, एक एक स्टेप लिख के दिखाना है, बहुत शानदार और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। और यकीन मानो रियल एंड इक्वल रूट्स के शायद ही कोई ईयर होगा जिसमें इसके क्वेश्चन ना पूछे गए हों, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अच्छे से नोट डाउन करना, क्वेश्चन लिखना, जितनी बातें मैंने वीडियो में बताई उसको नोट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 2 क्वेश्चन और करवा चुका हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो भी वही क्वेश्चन उठाए मैंने जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं, तो उनको भी जाके देखो, आपको नए नए तरीके मिलेंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, 80 out of 80 आपके आराम से आ जाएंगे अगर आपने मेरी सारी वीडियो देखी है। और इससे पहले मैं रियल नंबर, पॉलीनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के भी लगभग 20-25 वीडियो बना चुका हूं, और मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं जो बोर्ड में लगातार और पिछले कई सालों से हर साल आते ही आते हैं, और वो नहीं अगर आएंगे तो उसी के जैसे कंसेप्ट सेम आएंगे, बस डिजिट चेंज हो जाएगी, कंसेप्ट मैंने सारे कवर किए हैं इस रिवीजन क्लास में, तो अच्छे से देखना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।